हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बटी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में। हमारा आज का टॉपिक होगा कि किस तरह से चाइना का उदय हुआ, रेड स्टार राइज इन चाइना, किस तरह से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आई CPC, और ताइवान का गठन किस तरह से हुआ। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1644 चाइना में मिंग डायनेस्टी का शासन था। उसके बाद क्या होता है कि 1644 में कुछ ट्राइबल्स नॉर्थ चाइना से चाइना के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को क्रॉस करते हुए मिंग डायनेस्टी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकते हैं चाइना से, और इस तरह से चाइना पे मंजूस का कब्जा हो जाता है और उसमें मंजूस डायनेस्टी आ जाता है चाइना में, जिसे कि किंग डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये जो मंचूस लोग थे, ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और जो वहाँ पर लोकल हान चाइनीज थे, ये हान चाइनीज कौन होते हैं, हान चाइनीज कन्फ्यूशियस को फॉलो करने वाले लोग। तो इन लोगों के बीच जो मिंग जो किंग डायनेस्टी के लोग थे, ये डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। फिर 1800 में ब्रिटिश रूल भारत में इस्टेब्लिश हो गया और ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ साथ चाइना और तिब्बत के साथ भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। हम देखेंगे कि किंग डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उन्हें ब्रिटिशर्स के मोटिव से शक था, वो ब्रिटिशर्स पे भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने क्लोज फॉरेन पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया। और इस पॉलिसी को अपनाने के कारण ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा और ब्रिटिशर्स क्या किए, ब्रिटिशर्स ने स्मगलिंग शुरू कर दी, इलीगल ट्रेड करना शुरू कर दिया तिब्बत के साथ, और चाइना के जो नौजवान थे, जो यूथ थे, उनको ड्रग्स देकर उन्हें करप्ट करना शुरू कर दिया। इसके कारण क्या हुआ कि चाइना और ब्रिटिशर्स में ओपियम वॉर स्टार्ट हो गया। इस ओपियम वॉर में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने चाइनीज को बहुत बुरी तरह से हरा दिया 1860 में, और चाइनीज से उन्होंने ट्रेड कंसेशंस भी ले लिया और उनसे उनके कुछ स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स भी छीन लिए, जैसे कि हांगकांग पोर्ट। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स को हरा रहे हैं। साथ ही ब्रिटिशर्स ने हांगकांग में क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया और हान चाइनीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो ब्रिटिशर्स थे, वो चाइना के अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगे, और इसके कारण अल्टीमेटली 1911 में किंग डायनेस्टी का पतन हो गया। किंग डायनेस्टी के पतन होने के बाद चाइना के लोगों ने एक नेशनलिस्ट पार्टी को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था कुओमिंटांग पार्टी, जिसे शॉर्ट में KMT भी बोलते हैं। फ्यूचर लेक्चर्स में हम लोग रेफरेंस के लिए इसे KMT ही बोलेंगे। और इस कुओमिंटांग पार्टी का लीडर कौन था, इस कुओमिंटांग पार्टी का लीडर चियांग काईशेक थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये है चियांग काईशेक, ये है हमारे चियांग काईशेक और ये उनकी लेडी है। और उसी समय जो डॉक्टर सन युक सान थे, ये रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, और इसके लीडर थे माओ ज़ेडुंग। यहाँ पर आप माओ ज़ेडुंग को देख सकते हैं, ये हैं हमारे आपके, ये हैं माओ ज़ेडुंग। ये माओ ज़ेडुंग भी एक बड़े ही अनोखे और निराले आदमी थे, इनका भी हिस्ट्री आप लोग देखिएगा। वैसे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस लेक्चर में माओ ज़ेडुंग के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जापान ने क्या किया कि चाइना के टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया और जापान के अगेंस्ट KMT और CPC दोनों ही यूनाइट हो गए। लेकिन इन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा सीरियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। ये जो KMT पार्टी थी, कुओमिंटांग पार्टी, ये डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस के थे, और ये जो CPC थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। जैसा कि हम आप लोगों को थोड़ा सा इसका हिंट्स दे देते हैं कि कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी था, जैसे माओ का आइडियोलॉजी था कि पावर फ्लोस थ्रू द बैरल ऑफ द गन। इनका मानना था कि पावर को बंदूक के दम पे छीन लेना चाहिए। तो ये है कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी। और डेमोक्रेसी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं प्रॉपर तरीके से और लोगों के द्वारा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। और ये जो CPC थी, ये क्या करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूरल एरिया पर फोकस करना चाहती थी और उसके बाद अर्बन एरियाज पर। लेकिन जो KMT थी, कुओमिंटांग पार्टी,
ये सिर्फ अर्बन एरियाज पर फोकस किया करती थी और रूरल एरियाज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया कर देती थी, जिसके कारण हम देखेंगे कि क्या होगा कि जो किसी भी इकोनॉमी में या फिर कहीं भी आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग रूरल एरियाज में ही रहा करते हैं, और उस समय भी ऐसा ही हुआ। और ये रूरल एरियाज के लोगों का सपोर्ट पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ गया, जिसके कारण हम आगे देखेंगे कि ताइवान और चाइना का भी गठन होता है, तो वो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, नेग्लेक्ट करने के कारण कि चाइना में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है और जापान इसका एडवांटेज उठाता है, और इसका एडवांटेज लेके जापान सबसे पहले मंचूरिया पर अटैक करेगा और उसके बाद 1937 में चाइना पर भी अटैक कर देगा। अब इस अटैक को ध्यान में रखते हुए सीपीसी और केएमटी दोनों जापान के अगेंस्ट यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन जापान बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री था और जापान इन दोनों को हरा देता है और पूरी तरह से क्रश करके रख देता है, जैसे बोलते हैं ना कुचल के रख देना, पूरी तरह से जापान इन्हें कुचल के रख देता है, और इसके बाद इनके उठने का हिम्मत नहीं होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बावजूद 1937 और 1939 में चाइना में फिर से एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली जापान 1945 में क्या होता है कि हार जाता है अमेरिका के द्वारा, जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा देता है तो जापान सरेंडर कर देता है। हालांकि अमेरिका के एटम बम गिराने के कारण जापान के लोग बहुत ही दर्दनाक मरे थे और इसके कारण वॉर खत्म भी हो गया था, लेकिन इससे हम ये भी देख सकते हैं कि मानव कितना ज्यादा निर्दयी हो सकता है। और उस समय जापान क्या करता है कि सरेंडर करने के बाद चाइना को आजादी दे देता है, और चाइना आजाद होने के बाद क्या करता है कि यूएसए सबसे पहले सीपीसी और केएमटी के बीच में समझौता करवाना चाहता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि यूएसए जापान ये जो दो कंट्रीज थे ये सपोर्ट करते थे केएमटी को, और यूएसएसआर सपोर्ट करता था सीपीसी को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर एंड केएमटी वाज सपोर्टेड बाय यूएसए, बट बोथ ऑफ देम फेल्ड। सीपीसी क्या करता है, सीपीसी का होल्ड क्योंकि रूरल एरियाज में था, उसने लोगों को ये बोला कि केएमटी पार्टी जो है वो एंटी नेशनलिस्ट है, और वो एंटी नेशनलिस्ट क्यों है क्योंकि वो अमेरिका का सपोर्ट ले रही है, और इस तरह से वो लोगों का सपोर्ट ले लेता है और इस तरह से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज हो जाता है। 1949 में हम देखेंगे कि सीपीसी केएमटी को फेंकने उठा के चाइना से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाती है, और चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दे देती है, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है। और ये हम देख सकते हैं कि ये चाइना का मैप है, ये है आपका चाइना, और यहाँ पर ये है छोटा सा ताइवान, वैसे नेक्स्ट में फोटो में आप ताइवान का भी पिक्चर देख लेंगे, ताइवान का भी मैप मैंने डाला हुआ है। अब हारने के बाद केएमटी क्या करता है, जब केएमटी के साथ ऐसा कर दिया जाता है कुओमिनटांग पार्टी के साथ, तो कुओमिनटांग पार्टी ताइवान भाग जाती है और वहां पर ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना बोल के एक कंट्री इस्टेब्लिश करती है, ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, और इस तरह से ताइवान का गठन होता है। 1951 में यूएस और जापान एक अलायंस मतलब एक संधि करते हैं जिसे ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि कम्युनिस्ट चाइना पर नजर रखा जा सके, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी तक यूएसए को यूएसएसआर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, वो यूएसएसआर को मतलब रशिया को अभी तो यूएसएसआर नहीं है, अभी रशिया बोलते हैं, रशिया को अपना सबसे नंबर वन दुश्मन मानता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी वडी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर motivational quotes, free video lectures and free study materials. And remember that you will not be charged a single penny for any lectures or any study material. So please join our Telegram channel. Thank you.